हेलो फ्रेंड्स, डी एंड एफ ब्लॉक में आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। कैटलिस्ट मींस जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मींस ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं, क्योंकि वो रिएक्टेंट्स को, जैसे गैसेस रिएक्टेंट्स हैं, तो गैसेस हमेशा वॉल्यूम्स में रिएक्ट करती हैं और उनको रिएक्ट करने के लिए किसी सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स क्या करेंगे, सरफेस प्रोवाइड करवाएंगे जिसके ऊपर गैसेस एक्यूमुलेट होंगी, मींस एडजॉर्ब होंगी। सरफेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, वहाँ एडजॉर्ब होंगी और फिर आपस में वो रिएक्ट करेंगी और ये ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आपकी सिलेबस में हैं जिनमें बार बार इनका नाम आया है, उन प्रोसेसेस का नाम और कौन कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होता है उसका नाम रिमेम्बर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले तो देखो, पहला क्वेश्चन यही बन गया कि वाई दे आर एक्टिंग एज गुड कैटलिस्ट, ऐसा करते ही क्यों हैं। उसका कारण आप बताएंगे, क्योंकि इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। मतलब ये मान लो कि ये चेहरे बदलने में, रूप बदलने में माहिर हैं, कहीं पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है, कहीं पर दूसरी है, तो बहुत सारी रिएक्शंस को ये कैटलाइज कर सकते हैं। अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेंगे और पहुंच के अलग अलग जगह पर ये कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिसके कारण इनके कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे H2SO4 की प्रिपरेशन के प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ा है वेनेडियम ऑक्साइड V2O5। तो वेनेडियम एक ट्रांजिशन मेटल है, तो वेनेडियम ऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड या ऑक्साइड सिंपली आप कहते हो, वो क्या है, कैटलिस्ट का काम करता है। अमोनिया फॉर्मेशन के प्रोसेस का नाम है हेबर प्रोसेस, ये भी नाइट्रोजन फैमिली में आया है। उसमें आयरन किसका काम करता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है, और मोलिब्डेनम इसमें किसका काम करता है, प्रोमोटर का काम करता है। तो कैटलिस्ट कौन हुआ, आयरन, ये फिर ट्रांजिशन मेटल है। इसके अलावा जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, जिसमें सैचुरेटेड में बदला जाता है, उसमें निकल काम करता है। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते, उनको वेजिटेबल घी में बदला जाता है। ये होते हैं अनसेचुरेटेड डबल ओ ट्रिपल बॉन्ड वाले, इनमें निकल रिएक्ट करके क्या करता है, इनको सेचुरेटेड में बदलता है, यानी कि वनस्पति घी में बदलता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। अब देखिए, NCERT में ये रिएक्शन दी हुई है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी ये पूछी हुई है। इस चैप्टर में से क्वेश्चन लगभग आएगा, आप मान के चलो, कंप्लीट द रिएक्शंस, कि रिएक्शंस को पूरी कीजिए। जैसे ये रिएक्शन कहीं पर दे दी, तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो आयरन है ये कैटलिस्ट का काम करता है और इस रिएक्शन को करवाता है। कैसे, जैसे 2I नेगेटिव है S2O8, वास्तव में SO4 है, दो बार कंबाइन किया तो S2O8 हो गया, चार्ज है -2। तो FE ने क्या किया, इसमें कैटलिस्ट का काम किया और इसे I2 बना और SO4 2 नेगेटिव बना। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में पूरी होती है। देखो, शुरू में क्या होता है, FE3 पॉजिटिव होता है और सामने कौन आता है, आई नेगेटिव। अब I2 बनना है, इधर ही रखा रिएक्शन में I2 या 2I, तो 2I है। तो देखो, 2I मींस एक आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 के पास कितने हो गए, 2। तो इसके लिए ये भी हम 2 ले लेते हैं, तो ये किस में बदलेगा, Fe2 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव था, एक इसने एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन का लिया और किस में बदल गया, Fe2 पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक पॉजिटिव कम हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा था, तो दो थे, दो इलेक्ट्रॉन लेकर 2Fe2 पॉजिटिव में, 2 थे और 2 ये बन जाएंगे। अब आयोडीन के दोनों इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इसको दे चुका है, ये बन चुका है, जा चुके, तो ये क्या बनेगा, I2। ये इसका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये बचा हुआ है, अब यहां से कौन बना, Fe2 पॉजिटिव। अगर आप यहीं पे छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप क्या पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट वो हैं जिनके ऊपर, खुद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब अब ये 2Fe2 पॉजिटिव, इसका नंबर आ गया और सामने कौन आया, S2O8 2 नेगेटिव।
अब क्या होगा, उसी फॉर्म में ये फिर से वापस जाएगा, एफ दो इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएंगे और SO4 टू नेगेटिव ये बनेगा। छीनने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहां पर तो दो हैं। अब SO4 क्या होगा, यहां पर तो दो है ना, ये टू करेंगे, यहां पे हम टू करेंगे तो माइनस टू इंटू टू, माइनस फोर चाहिए हमें, तो माइनस फोर में हमें यहां से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये फिर किस में चेंज हो जाएगा, एफ ई थ्री पॉजिटिव में। तो ये इस तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, ये पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आप पढ़ चुके हैं आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी क्या होती है प्लस वन क्लास में, कि आपके पास आइसोलेटेड एटम है, मतलब सिंगल होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, उस समय जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है, आसान सी बात है, क्योंकि लेफ्ट से राइट आप जाओगे तो क्या होगा, साइज कम होता जाएगा, साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, नहीं निकला क्योंकि न्यूक्लियस के पास पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, तो निकालने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप बताएंगे कि लेफ्ट से राइट जैसे ही जाओगे, मीन्स अगर एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक की बजाय इनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि एस ब्लॉक के आगे ही ये साइज कम है, पी ब्लॉक से कम होगी। और अगर इसी की बात करें डी ब्लॉक की, तो लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, कारण है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन ये जो इंक्रीज हो रहा है ये कोई खास नहीं है, लेस डिफरेंस होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि तेजी से बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता। दूसरा पॉइंट इसके बारे में आप याद रखेंगे, इररेगुलर ट्रेंड है, रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इररेगुलर है, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकती है, कि कहीं पे एकदम ज़्यादा बढ़ गई फिर आगे बढ़ी लेकिन बहुत कम बढ़ी, तो इररेगुलर ट्रेंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस के ऊपर आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मीन्स डी फाइव और डी टेन ज़्यादा स्टेबल हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि किसी का इलेक्ट्रॉन जाने से अगर ये अचीव हो जाते हैं तो वो जाएगा, ये यही चाहते हैं कि किसी भी तरह डी फाइव और डी टेन बने, अगर जाने से बनते हैं तो ये चाहेंगे कि चला जाए, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि क्रोमियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो है, कम होती है, और जिंक की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है, हाई होती है, ऐसा क्यों? याद करो, क्रोमियम क्या था, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इसमें था 3d5 4s1। अब देखो कितना अच्छा हो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसका d5 बच जाए, यही ये चाहता है कि d5 बच जाए। तो लो एनर्जी का मतलब है बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये खुद चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को कोई ले जाए। तो यहां से क्या होगा, कोई आए तो ले जाए, लाख दुआएं पाए, ये कहेगा ले जाओ बेशक सही, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी, ये खुद भी खुश है उसी चीज पे। जेडन में क्या है, देखो 3d10 4s2, ये भी पूरा भरा हुआ है और ये भी पूरा भरा हुआ है। अब जिंक ये नहीं चाहेगा कि कंप्लीटली फील्ड को कोई डिस्टर्ब करे, ये पहले ही बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट मींस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जो पहला इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हो, तो ये बहुत ज्यादा जोर आपका लगेगा, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वैसे तो मैग्नेटिक नेचर कई टाइप की आपने पढ़ी है सॉलिड स्टेट में, यहां मेनली टू टाइप्स का जिक्र आएगा। डायमैग्नेटिक, वो सब्सटेंसेज हैं जो रिपेल होते हैं मैग्नेट से, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। और पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और इसका कारण हमेशा क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेट से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। एक फेरोमैग्नेटिक टर्म भी आती है, और भी बहुत सारी आती है वैसे तो फेरोमैग्नेटिक एक्चुअली पैरामैग्नेटिक की ही मैक्सिमम हद है, जहां पर वो बहुत ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होता है उसकी एक्सट्रीम लिमिट है।
पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, देखो ऐसा क्वेश्चन आपसे जब भी पूछा जाए कि कुछ भी कह दिया ए बी सी, ये पैरामैग्नेटिक है ये डायमैग्नेटिक है, इट मींस क्वेश्चन पूछने वाले ने आंसर तो आपको पहले ही बता दिया। जिसको वो कह रहा है ये पैरामैग्नेटिक है तो आपको यस ये है, क्यों है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये पूछता है कि ये ज़्यादा पैरामैग्नेटिक क्यों है तो आंसर तो उसने खुद ही बता दिया क्यों है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। अब मैग्नेटिज्म कैलकुलेट करने का एक फार्मूला दिया हुआ अपनी बुक में, वो है स्पिन ओनली फार्मूला। वो क्या है, म्यू ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट एन एन माइनस टू, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसकी वैल्यू उतनी आपके पास ज़्यादा आएगी। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी यूनिट होती है बी एम, बी एम मीन्स बोहर मैग्नेटोन। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोहर मैग्नेटोन होता है। अब इनसे संबंधित क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पिछले 10-12 साल में आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। देखो पहला है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, कोई लगभग 8-9 बार ये क्वेश्चन था, मैंने एक बार ही लिखा है और यहाँ जवाब मिल भी चुका है। ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड्स जो है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्या बताएंगे, दे आर पैरामैग्नेटिक बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि D1 से स्टार्ट करके आप D9 तक चले जाओ तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको अलग अलग जगह पर मिलेंगे, तो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक हैं। नेक्स्ट है ई, एम टू पॉजिटिव और एम, ये इसमें चेंज हो रहा है, कॉपर के लिए ये पॉजिटिव है, सी यू ओनली ऐसा मेटल है इस सीरीज में जो ऐसा करता है। तो देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि एम टू पॉजिटिव मीन्स कॉपर टू पॉजिटिव जैसे है, एम में ये चेंज हो रहा है यानी कि कॉपर में चेंज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है। तो तीन एनर्जी होती हैं जो इसको डिसाइड करती हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है जिसके कारण ये पॉजिटिव हो जाता है जब इसमें चेंज होता है तब, यानी कि चेंज होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत इसको पड़ेगी। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, देखो एटोमाइजेशन है क्या, जो मॉलिक्यूल होता है जब वो टूट जाता है यानी कि एटम्स में चेंज होना, क्या कहलाता है एटोमाइजेशन। जैसे कि H2 है, ये एक मॉलिक्यूल है उसमें दो हाइड्रोजन है, अगर ये टूट जाता है ऐसे अलग अलग H में तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, एटोमाइजेशन है। अब इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ये कहता है कि ट्रांजिशन मेटल्स के लिए ये बहुत हाई है, यानी कि मॉलिक्यूल को तोड़ के उनके एटम्स बनाना चाह रहे हो आप तो वो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, मेटलिक बॉन्ड्स भी हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो उनको तोड़ना आसान नहीं है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उनकी ज़्यादा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड ये है इरेगुलर है, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट और सेकंड की क्या है, इरेगुलर है, घटती बढ़ती रहती है। अभी एग्जांपल हमने पढ़ा जैसे क्रोमियम के लिए फर्स्ट लो थी, जिंक के लिए हाई थी, तो इसका कारण है कि D5 और D10 ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो जहाँ पर ऐसा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर ऐसा बन रहा है तो वो जल्दी लूज़ करेगा यानी कि कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इरेगुलर ट्रेंड यहाँ आता है। नेक्स्ट है जिंक के लिए 3D सीरीज में एटोमाइजेशन की एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम क्यों है, देखिए जिंक क्या था, 3D10 4S2। अब अगर ये जिंक जिंक ऐसे आपने मिला के मॉलिक्यूल बना रखे हैं तो ये तो एक ज़बरदस्ती है, ये फॉर्मेलिटी है, इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ये क्या है, स्टेबल है, D10 है कॉन्फ़िगरेशन इसका, डी सब शेल और एस भी दोनों भरे हुए। तो अगर आप इन मॉलिक्यूल को एटम बनाना चाहते हो यानी कि इनको तोड़ना चाहते हो अलग अलग एटम, तो बहुत कम एनर्जी चाहिएगी, क्योंकि ये खुद भी चाहते हैं कि जल्दी से टूट जाएं, फिर अकेला ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, तो इसके लिए एटोमाइजेशन की एनर्जी सबसे कम है। लास्ट क्वेश्चन, जैसे अमंग द डाइवेलेंट कैटायंस इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स MN एग्जिबिट्स द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म, सोचना ही नहीं है, कुछ भी पूछ ले हमसे, ये कह रहा है मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म शो क्यों करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे इसलिए ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। ये कुछ थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन मेटल्स की।
तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन जिन के ये काम आ सकता है उन तक पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, कौन सी यूनिट्स को प्रायोरिटी के बेस पर मैं पहले तैयार करूँ।